नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। श्रीमती चंद्रावल गुप्ता कॉलेज बासंदर उदयपुर ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम क्रिएट सेकंड ईयर का पेपर है फोर्थ कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूनिट आपके फर्स्ट चल की निर्देशन एवं परामर्श का परिचय और टॉपिक के विभिन्न स्तरों पर निर्देशन की आवश्यकता सब टॉपिक के ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से, जिसके हमने 2 पॉइंट कम्प्लीट किए। आज हम थर्ड और फोर्थ पॉइंट कम्प्लीट करेंगे। थर्ड पॉइंट है सामाजिक दृष्टि से, यानी कि सामाजिक दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों की क्या स्थिति रही है। देखिएगा कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वासों का बोलबाला है। बिल्कुल, कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वासों का बोलबाला है। अंधविश्वासों का मतलब जैसे बिल्ली का रास्ता काट देना, छींक आने पर भूख जाना, तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, अंधविश्वासों का बोलबाला है। व्यक्ति इन अंधविश्वासों के कारण कई समस्याओं का सामना करते हैं, यानी कि अंधविश्वास होने के कारण कई समस्याओं का सामना करते हैं। जैसे मान लीजिए छींक आने पर रुक जाना, तो अच्छे काम में जा रहे हैं तो उसे चूक जाना। उसी प्रकार से अंधविश्वासों का मुख्य कारण वहाँ पर शिक्षा का अभाव है। अंधविश्वासों का मुख्य कारण क्या है, शिक्षा का अभाव। शिक्षा तो है, लेकिन फिर भी शिक्षा के अभाव के कारण अंधविश्वासों पर विश्वास किया जा रहा है तथा उचित मार्गदर्शन की कमी और सही प्रकार का मार्गदर्शन न मिलने के कारण अंधविश्वासों पर विश्वास बढ़ने के कारण सामाजिक दृष्टि से लोगों को निर्देशन की आवश्यकता अनुभव की गई। इस दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्र काफी पिछड़ कर रह गए, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ करेगा। क्यों पिछड़ के रहेगा, क्योंकि अंधविश्वासों का बोलबाला होने के कारण, अंधविश्वासों पर विश्वास करने के कारण, शिक्षा का अभाव होने के कारण और उचित मार्गदर्शन की कमी होने के कारण आज भी ग्रामीण क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों से अंधविश्वासों को समाप्त करने के लिए वहाँ के लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करने तथा उन्हें सामाजिक रूप से विकसित करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों से अंधविश्वासों को समाप्त करने, अंधविश्वासों को दूर करने के लिए तथा निर्देशन लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, उन्हें सामाजिक रूप से विकसित करने के लिए, यानी समाज में उनका विकास करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता अनुभव की गई। नेक्स्ट है स्वास्थ्य की दृष्टि से तात्पर्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की भी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल, कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की कोई सीमा नहीं है, साफ सफाई की कोई देख रेख नहीं है, तो इनमें बाल रोगों की समस्या बहुत उग्र रूप धारण कर रही है। यानी कि बालकों में जो रोग दिखाई देते हैं उसकी समस्या उग्र रूप धारण कर रही है। महिलाओं के रोगों से भी समस्याएं बहुत गहरी दिखाई पड़ती है, यानी कि महिलाओं में भी कई प्रकार के रोगों की समस्याएं दिखाई पड़ती हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन देने की आवश्यकता अनुभव की गई। इसके अतिरिक्त ग्रामीण जनसंख्या सफाई के नए नए तरीकों से भी अनभिज्ञ है, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या है वो सफाई के नए नए तरीकों से अनजान है कि किस प्रकार से सफाई करनी चाहिए, किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा के अभाव होने के कारण वो सफाई के नए नए तरीकों से अनजान है, जानकारी का अभाव है, इसके कारण भी निर्देशन की आवश्यकता को अनुभव किया गया। अतः कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए भी निर्देशन एक आवश्यकता बन चुका है। क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों को शिक्षा के अभाव के कारण, स्वास्थ्य से संबंधित पूरी जानकारी न होने के कारण, जानकारी का अभाव होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों को निर्देशन की आवश्यकता अनुभव की गई। आपका ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से आवश्यकता का टॉपिक कंप्लीट हुआ और विभिन्न स्तरों पर निर्देशन की आवश्यकता का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए।